प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के नीमिया थरिया स्थित राइस मिल और आटा मिल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जहां आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं घंटों बाद दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कन्नौज में एमएलसी चुनाव में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने वोट डाला। सदिक ब्लॉक स्थित मतदान केंद्र पर वोटिंग की गई। वहीं समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण बोले, अंतिम आदमी तक विभाग की योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज विधान परिषद का चुनाव का मतदान हो रहा है और कन्नौज में मेरा मत है, मैंने आज अपना मत अभी डाला है। ये एक इनडायरेक्ट चुनाव है जिसमें कि जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं और हमारा दायित्व है कि हमारे मतदाताओं का क्या मत है ये आगे हम बताते हैं, और मतदाताओं का क्या मत है उन्होंने अभी हाल में बताया ही है और उसी के अनुसार अपना अपना मत लोग डाल रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से मतदान चल रहा है। कन्नौज में तेज रफ्तार लोडर और टेम्पो के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। वह टक्कर के बाद टेम्पो नियंत्रित होकर पलट गया, जहां हादसे में की मौत हो गई तो वहीं 10 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा छिबरामो कोतवाली क्षेत्र के फूदी मस्जिद के पास जीटी रोड का। संभल में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां दो ब्लॉक प्रमुखों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। मेरे पास कम से कम 110 BDC हैं और कम से कम 100 प्रधान हैं। अच्छा, पहले आप समाजवादी पार्टी में थी जी, आज क्या आपने भाजपा ज्वाइन किया? जी, भाजपा को आज समर्थन दिया है, ज्वाइन का जिलाध्यक्ष जी बताएंगे कब होना है। एमएलसी चुनाव में भाजपा को समर्थन किया है? जी, पूर्ण समर्थन। कानपुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा विधान परिषद चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। वहीं सकुशल सुरक्षित मतदान संपन्न कराने के लिए ड्यूटी में लगे पुलिस बल को चेक किया गया। साथ ही किसी भी तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया न करने की हिदायत देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। टिहरी के कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में बागवान से करीब 1 किलोमीटर आगे कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही द्वीपराग से पुलिस और SDRF मौके पर पहुंची। लखनऊ में बर्थडे पार्टी के दौरान बीच सड़क पर फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि फिनिक्स प्लॉसिया मॉल के पास 2 दर्जन से अधिक रईसजादे बर्थडे पार्टी मना रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एटम में बिजली के तारों से निकली एक चिंगारी ने किसान की साल भर की मेहनत को पल भर में खाक कर दिया। आग से करीब 60 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। यह पूरी घटना जलेसर तहसील के गाँव हसनगढ़ की है। अलीगढ़ में अचानक गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने के बाद गांव में अफरातफरी का माहौल हो गया। बताया कि लगभग 80 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाई। ये पूरी घटना अकराबा थाना इलाके की हीरा सिंह जिरौली गांव की है। कितना खेत जला होगा? पूरा करीब 80 बीघा। अलीगढ़ में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे को अनजान फोन नंबरों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। अशोक पांडे का कहना है कि बीते दिनों से उनके पास कई मोबाइल नंबरों से कॉल आ चुकी है। पिछले कई दिनों से कमलेश तिवारी की जब से हत्या हुई है उसके बाद से लगातार हमारी महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी और मुझे स्वयं विभिन्न नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हमने प्रशासन को भी कई बार इसके लिए अवगत कराया है, FIR भी कराई है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जो ये धमकियों का सिलसिला बंद होता। कल भी किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आकर के सीधे गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, तो इस बारे में हमने थानाध्यक्ष महोदय को और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है। लखनऊ के सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र में पुरानी चुंगी पर ट्रकों से अवैध वसूली करते 2 होमगार्ड को लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोरदिया ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद पीयूष मोरदिया ने थाना प्रभारी को होमगार्ड के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरोवर नगरी नैनीताल में गर्मी के सीजन के समय पर्यटकों की संख्या में जमकर इजाफा हुआ है, जिसके चलते आए दिन वाहनों के जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके समाधान के लिए कुमाऊं मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने कहा है कि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। में क्या है कि जो डेली रोजाना हमारे यहाँ 1000-2000 गाड़ियाँ नैनीताल में जो है यहाँ आती है बाहरी राज्यों से, तो हमारे पास जो पार्किंग स्थल है तो मुख्यतः 6 पार्किंग स्थल है जो हम लोग आमतौर पे इसको यूज़ करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पर्यटकों को ये पार्किंग स्थल की जानकारी नहीं होती कि है कहाँ पर पार्किंग स्थल, तो कई बार पर्यटक जो है रोड पर घूमते हैं उससे भी जाम लगता है रोड पर, क्योंकि वो खोजते हैं पार्किंग कहाँ जाना है कहाँ जाना है।
तो ये QR कोड से क्या होगा कि यहीं से उनको टोल नाके से ही बताया जाएगा कि ये स्कैन किए, वो अपने आप गूगल मैप से उस पार्किंग स्थल में पहुंच जाएगा। उत्तरकाशी के उपला टनकोर क्षेत्र हर्सल घाटी सेब के लिए काफी मशहूर है, जहां अदानी एग्री फ्रेश टीम ने हर्सल क्षेत्र में झाला कोल्ड स्टोर के सभी गांव के सेब काश्तकार को सेब के प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया।